प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। लकड़ी से जलने वाले चूल्हे का धुआं जहां आंखों में तो चुभता ही था, वहीं फेफड़ों में जहर घोल रहा था, लेकिन उज्ज्वला योजना से मिले गैस कनेक्शन से अब महिलाओं का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है। टिहरी जिले में अब तक 11,983 गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को दिए जा चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को खाना बनाने के लिए जलावनी लकड़ी के भरोसे ही रहना पड़ता था। इससे स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचता था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद इन समस्याओं से मुक्ति मिलने लगी है। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में उज्ज्वला योजना की प्रगति बहुत अच्छी है। आने वाले दिनों में 100% लोगों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे टिहरी जिले में टोटल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 11,983 कनेक्शन बढ़ चुकी है और अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में एक्सटेंशन हुआ है, जिसमें इनका टारगेट 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें टोटल 7 श्रेणियाँ हैं, जिसमें से 3 श्रेणियाँ जो है हमारे जिले में एप्लीकेबल होती हैं, जैसे कि SC ST हो गई, अंत्योदय अन्न योजना हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई। तो यही है कि अब जो हमारा टोटल टारगेट था वैसे SC CC के अनुसार 19,232 था, लेकिन चूंकि अब ये नई कैटेगरी आई है तो और हमारी कनेक्शन बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई हैं उसमें। ढुंगीधार की मुन्नी खातून बताती हैं कि पहले वे लकड़ी जलाकर चूल्हे पर ही खाना बनाती थी, लेकिन जब से उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन मिला है, लकड़ी जलाने की झंझट खत्म हो गई है। अब उनको खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हम पहले लकड़ी में खाना बनाते थे, बहुत परेशानी होती थी हमें और हम बच्चों को भी बहुत परेशानी, आंखों में धुएं धुएं से होती थी और हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं और जो हमें गैस कनेक्शन मिला हमें। रिंकी देवी कहती हैं कि उनके पास एक ही कमरा है। पहले लकड़ी जलाने से धुआं होता था, जिससे बच्चे भी परेशान रहते थे, आंखों में जलन होती थी। उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन मिलने के बाद अब दिक्कतें नहीं हो रही हैं। बच्चों का भी पढ़ने में मन लगता है। पहले हम चूल्हे में बनाते थे खाना, अब गैस में बना रहे। जब से प्रधानमंत्री ने दिया है हमें सिलेंडर, तब से हम गैस चूल्हे में बना रहे। पहले धुआं होता था, बच्चे परेशान रहते थे, पढ़ने से भी घर में धुआं होता था बहुत ज्यादा, एक ही कमरा था, परेशानी बहुत ज्यादा थी हमें। बुजुर्ग महिला संपत्ति देवी कहती हैं कि उनको पहले लकड़ी के लिए काफी दूर जाना पड़ता था, उसमें खतरा भी रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना से मिले कनेक्शन ने उनकी परेशानियों को दूर कर दिया है। संपत्ति देवी उज्ज्वला योजना के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना नहीं भूलती है। खाना बनो था ना हम लकड़ी में, और अब हम बहुत ये जो योजना मिली हम सनी प्रधानमंत्री जी को बड़े बड़े धन्यवाद हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर केंद्र सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए नया लक्ष्य तय किया है। इससे टिहरी जिले के हजारों लोगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। जो लोग योजना के दायरे में अब तक नहीं आ पा रहे थे, उनको भी गैस कनेक्शन मिलने की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।